हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम कुछ अलग बनाने जा रहे हैं। हमेशा ही हमारी चिंता होती है कि बच्चों को किस तरीके से हेल्दी चीज़ें खिलाए जाएं विद ए ट्विस्ट, जो कि उन्हें काफ़ी पसंद भी आए और खाने के लिए परेशान भी ना करे। आपने कई बार सुना होगा एनर्जी ड्रिंक के बारे में, तो आज हम उसी से ही एक एनर्जी आइसक्रीम बनाने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं इंस्टेंट एनर्जी आइसक्रीम कैसे बनाई जाए, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। पहले तो हम देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होगा। मैं यहाँ पर ग्लूकॉन डी पाउडर ले रही हूँ, ये सादा वाला ग्लूकॉन डी है। शुगर भी चाहिए होगा हमें, चिया सीड्स जो मैंने आधे घंटे से भिगो कर रख दिया था फूलने के लिए। इसे मिक्स करने के लिए हमें चाहिए होगा पानी, और मिक्स करने के लिए एक ग्लास चाहिए होगा हमें, और एक आइसक्रीम मोल्ड। ये आपको बड़े ही आसानी से मार्केट में मिल जाएगा समर टाइम में। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैं पानी को ग्लास में डाल दूंगी, फिर हम इसमें क्वांटिटी के अनुसार शुगर ऐड करेंगे। अंदाजे से मैं इसमें 4 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अब हम शुगर को मिक्स कर लेंगे पानी में अच्छे से। अब हम इसमें चिया सीड्स मिलाएंगे। चिया सीड्स रिड्यूस करता है बॉडी इन्फ्लेमेशन को, इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। मैं थोड़ा सा और ग्लूकॉन डी ऐड कर रही हूँ, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच थिकनेस यू वांट। देखिए अभी ये कितना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे पोर करेंगे आइसक्रीम मोल्ड में। चिया सीड्स काफ़ी लाइट होता है, इसीलिए ये ऊपर आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब हम आइसक्रीम स्टिक्स को डालेंगे और रेफ्रिजरेट करेंगे फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे बाद हम निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे से जम गया है हमारा आइसक्रीम। अब हम इसे निकाल लेंगे मोल्ड से। निकालते वक्त आपको 2 मिनट के लिए इसे बाहर छोड़ देना है, फिर ये बड़े ही आसानी से मोल्ड से बाहर आ जाता है। अब इस एनर्जी आइसक्रीम को बच्चे बड़े ही आराम से एंजॉय कर पाएंगे इस गर्मी में। आपको मेरी ये वीडियो कैसा लगा लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।